गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, डेट इज़ एक्चुअली फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी। बेसिकली फेमिनिज्म कैसे क्या डायमेंशन है, हाउ एक्चुअली इट प्रोड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, मीन्स हाउ इट एक्चुअली गो फॉर क्लेमिंग इक्वालिटी इन एन इक्वल सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट इज़ एक्चुअली फेमिनिज्म। सबसे पहले डेफिनेशन फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म एक्चुअली पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन एक्चुअली एक सेट ऑफ आइडियाज़ बिलीफ होता है, तो एक तरह से हम बोलते हैं जो पॉलिटिकल सेट ऑफ आइडियाज़ और पॉलिटिकल बिलीफ क्या है रिगार्डिंग फेमिनिज्म, उसकी क्या डेफिनेशन है सोशल और पॉलिटिकल रेम में। तो फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वुमेन हु बिलीव दैट मैनी ऑफ द इनइक्वलिटीज वी सी इन सोसाइटी बिटवीन मैन वुमेन आर नीदर नेचुरल नॉर नेसेसरी। फेमिनिस्ट का मानना है कि जो इनइक्वलिटी है सोसाइटी में मैन वुमेन के बीच में, ये बेसिकली ना तो ये ज़रूरी है ना ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं नेचुरल, मतलब नेचुरल नहीं, ऐसे भगवान ने नहीं बनाई है, ये हमने अपने सोसाइटी में खुद क्रिएट करी है। डैट इज़ एक्चुअली दैट इनइक्वलिटी इन सोसाइटी इज़ नीदर नेचुरल नॉर नेसेसरी, और ये बदली जा सकती है और इसको चेंज किया जा सकता है ताकि मैन वुमेन दोनों फ्री एंड इक्वल लाइफ जी सकें। अब इसके रीज़न क्या है जो फेमिनिस्ट मानते हैं, बेसिकली जो रीज़न है इनइक्वलिटी का सोसाइटी में वो क्या है, डैट इज़ एक्चुअली पैट्रियार्की। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट पैट्रियार्की एक्चुअली ये एक दिस टर्म रेफर्स टू सोशल इकोनॉमिक कल्चर सिस्टम डेट वैल्यूज मैन मोर देन वुमेन एंड गिव्स मैन पावर ओवर वुमेन। जो पैट्रियार्की है ये पितृसत्तात्मक जो कहते हैं एक्चुअली ये एक रीज़न फेमिनिस्ट मानती है इनइक्वलिटी इन सोसाइटी का, और इसका बेसिक रीज़न पैट्रियार्की बेसिकली क्या होती है कि इसमें मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वुमेन से, और इवन एक्चुअली डोमिनेंस भी दिया जाता है कि मैन कैन डोमिनेट वुमेन। जैसे ये इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बताते हैं, एक मनु है एक थॉट, एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसने ऐसे बोलते हैं कि किताब लिखी थी कुछ मनुस्मृति नाम की, हाँ मनुस्मृति नाम की किताब लिखी थी, उसमें एक्चुअली इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो वीमेन हैं दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय मैन इन ऑल देर मीन्स अक्रॉस देर एज ग्रुप्स। जैसे कि बचपन में शी शुड बी कंट्रोल्ड बाय हिज फादर, जब शादी हो जाती है शी शुड बी कंट्रोल्ड बाय हिज हस्बैंड, जब बाद में कभी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शी, और अगर वो और उसकी डेथ अगर हस्बैंड के बाद में होती है तो शी शुड बी कंट्रोल्ड बाय हिज सन, मीन्स कोई भी जो डिसीजन लेना है ज़िंदगी में उसकी उसको कभी नहीं लेना चाहिए, और भी कई सारे उसके अंदर लिखा हुआ है जो मनुस्मृति के अंदर। तो एक्चुअली ये डॉक्टर बहुत लंबे टाइम से इंडिया में फॉलो हुआ है, और इसको मतलब हमेशा माना गया कि ये भगवान ने लिखा है, भगवान ने लिखा है कहकर विमेंस की कंडीशन को हमेशा लोअर डाउन किया गया। सो अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट एक्चुअली इनइक्वलिटी बिटवीन मैन वुमेन इन सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की, वही पैट्रियार्की के कारण ही इनइक्वलिटी है। दिस टर्म रेफर्स टू सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सिस्टम डेट वैल्यूज मैन मोर देन वुमेन एंड गिव्स मैन पावर ओवर वुमेन। पैट्रियार्की इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट बाय नेचर। जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, वो एक्चुअली मानती है, जो हिंदी में इसको पितृसत्ता बोलते हैं, पितृसत्ता मतलब डोमिनेंस, पिताजी फिर बेटा इस तरीके से, वो मानती है कि जो मैन और वुमेन का जो डिफरेंस है वो नेचुरल है। अभी जब ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही थी तब भी बहुत से जो मुस्लिम क्लरिक्स और उलेमा है उन्होंने भी यही कहा था कि जो तलाक को देने में जो डिफरेंस होना चाहिए वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैन वुमेन में नेचुरल डिफरेंस है। अब ये नेचुरल डिफरेंस इनइक्वल डिफरेंस है क्या, क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि नेचुरल डिफरेंस तो है बट क्या इट डज इट प्रमोट इनइक्वलिटी। यही बेसिकली फेमिनिस्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, नेचुरल डिफरेंस डज नॉट इंटेल कि देर इज ए इनइक्वलिटी, देर इज ए डिफरेंस कि हाँ उनके अलग अलग नेचुरल रूल्स हैं, वो एक को बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन द नेचुरल रोल्स ये एक पर्टिकुलर सेक्स को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की आज़ादी नहीं देते। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन वुमेन। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन वुमेन के, जो मैन वुमेन का डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में दो तरीके से है सोसाइटी, एक तो नेचुरल जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मैन वुमेन, एक है जेंडर। जेंडर इज एक्चुअली व्हाट दिस आर एक्चुअली सोशल रोल्स दैट इज एक्सपेक्टेड बाय पर्टिकुलर सेक्स टू प्ले इन द सोसाइटी। जो पर्टिकुलर सेक्स होता है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मैन वुमेन है, उसको जो
सोसाइटी कहती है कि इसको ये रोल प्ले करना चाहिए, वुमेन को वो रोल प्ले करना चाहिए, जैसे वुमेन को घर के काम करने चाहिए, घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बच्चे पालने चाहिए, सिर्फ यही काम करना चाहिए, मैन को बाहर जाना चाहिए, ऑफिस में काम करना चाहिए। तो ये जो एक सोशल एक्सपेक्टेशन है मैन वुमेन से, इट इज़ कॉल्ड जेंडर। अब फेमिनिस्ट ने इस पर आर्ग्यूमेंट कर दिया, उनका ये कहना है कि ये जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो समझ में आता है कि बिटवीन मैन वुमेन वो नेचुरल डिफरेंस है, बट ये जेंडर डिफरेंस क्यों होना चाहिए? जैसे कि अगर बच्चे जैसे कि अगर वुमेन सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सिर्फ बच्चों को देख उन्हीं को सिर्फ बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, मैन को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये है फेमिनिस्ट का मेन आर्गूमेंट। एंड तीसरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फेमिनिस्ट जिसके खिलाफ आर्गूमेंट देती है, वो है डबल बर्डन बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। एक्चुअली इसमें क्या है कि पहले ऐसा होता था कि वीमेन सब अंदर रहती थी, घर के काम करती थी, और मैन बाहर रहते थे, वो घर के काम बाहर के काम करते थे। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम ऐसा नहीं हुआ है। अब ओवर पीरियड वीमेन की पोजीशन भी थोड़ी स्ट्रांग हुई और वो बाहर के काम भी करने लगी, जैसे वो ऑफिस जाने लगी, जॉब पे, और रूरल एरियाज़ में भी आपने देखा होगा वीमेन खेतों में भी काम करती है, फील्ड्स वगैरह में जो काम करती है। तो ऐसा नहीं, तो उनका रोल एक्सेप्ट हुआ है इकोनॉमिक मतलब फंक्शनिंग में, हाँ कि वीमेन ये भी कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर लौटती हैं या घर में आती हैं तो उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता है घर के सारे काम जो ट्रेडिशनली वो ही करती थी, वो हमेशा वही करेंगे। उसमें मेन इन जनरल कोई खास सपोर्ट नहीं देते, जैसे कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा जो आता है कि जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ वॉशिंग मशीन लेने जाता है, उसमें जैसे वॉशिंग मशीन दिखाने की बात आती है तो हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ को दिखाइए, ये उसका काम है। तो दिस इज़ एक्चुअली डबल बर्डन, वो एज सच उसको इक्वल पोजीशन दी है, उसने वो लेकर आया उसको शोरूम तक दिखाने के लिए सब, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से लेकर गया, बोला इसी वॉशिंग मशीन पर काम हो, लेकिन जैसे वॉशिंग मशीन पर काम करने की बात आई बोले क्या, बोले इनको देखो मुझे तो करना ही नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड डबल बर्डन। द पैट्रियार्की प्रोड्यूस अ डिवीजन ऑफ लेबर बाय विच वुमेन आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट एंड डोमेस्टिक मैटर वाइल मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क इन पब्लिक डोमेन। बट फेमिनिस्ट क्वेश्चन दिस स्टेशन बाय पॉइंटिंग आउट दैट इनफैक्ट मोस्ट वुमेन आर ऑल्सो एक्टिव इन पब्लिक डोमेन। अब वो पब्लिक डोमेन में भी एक्टिव है, तो प्राइवेट सिर्फ प्राइवेट काम करने के लिए सिर्फ उन्हीं को क्यों देखा जाए, उन्हीं की तरफ क्यों देखा जाए, उन्हीं को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिकली ये क्वेश्चन हुआ है। हाउएवर डिस्पाइट दिस डबल बर्डन एज फेमिनिस्ट टर्म इट वीमेन आर गिवन लिटिल और नो से इन डिसीजन टेकन इन द पब्लिक डोमेन। अब बिकॉज ऑफ डबल बर्डन कारण क्या है कि उनको पब्लिक डोमेन में वो काम तो कर नहीं, लेकिन उनको डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं मिली है, यानी वो डिसाइड नहीं कर सकती, सिर्फ उनको पहले मैन से ही पूछना पड़ेगा। फेमिनिस्ट कंटेंट दिस पब्लिक और प्राइवेट डिस्ट्रक्शन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज कैन एंड शुड बी एलिमिनेटेड। कि ये इस तरीके का ये जो डबल बर्डन है, पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन है, ये एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट काम से वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन भी शुड बी इक्वल इक्वली रिस्पॉन्सिबल। यही फेमिनिस्ट का है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।